were doing this equation, transform of the equation in the basic medium. ठीक है, basic medium वाली रह गई थी हमारी. तो starting मैंने लिखी है just where we calculated the oxidation number of each and every one. ठीक है, इसके बाद next step हम क्या करते हैं, इनके जो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर take लेना बेटा, increase by इधर कितने हैं? सबसे पहले हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है. सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है. ऑक्सीजन को बैलेंस करने का क्या तरीका है? ये आपने दोनों में, एसिडिक और बेसिक दोनों में, ठीक है. उसके बाद अगर तो एसिडिक मीडियम है, राइट, एसिडिक मीडियम है तो सिंपली उतने ही जो एच पॉजिटिव आयन है वो दूसरी तरफ लगा दो. जितने हाइड्रोजन कम बने हैं दूसरी साइड, उतने एच पॉजिटिव आयन दूसरी साइड लगा दो. ओके, बेसिक में आपने चार्ज बैलेंस करना है सबसे पहले. ओके, चार्ज कैसे बैलेंस करना है? OH नेगेटिव आयन लगा, जितने OH नेगेटिव आयन लगाओगे उतने ही दूसरी साइड वाटर लगा दो. रूल्स क्लियर है? लिख लो कहीं पे, इसका मुझे मिल नहीं रहा. By the oxidation number method, acidic and basic medium में हम क्या करते हैं? Balancing करते हैं. अब हम next method पे चलते हैं. जो आपका mainly आगे भी use होगा in practicals also and in plus two also, ठीक है? So that is ion electron method. That is ion electron method.
अब इस मेथड में क्या करना है, पहले ओवरव्यू लो इस मेथड का। आपके पास एक इक्वेशन आएगी, ठीक है, आपने उनके ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लिए, जैसे आप करते आ रहे हो, कर लिए कैलकुलेट। उसमें से आपने देखना है कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई है और किसकी रिडक्शन हुई है, ठीक है। इसलिए आपने एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखनी है और दूसरी रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। दोनों की आधी आधी रिएक्शंस लिखनी है, ऑक्सीडेशन वाले की अलग लिखनी है, रिडक्शन वाले की अलग लिखनी है, ओके। फिर आपने इनको सेपरेटली बैलेंस करना है, इसको पहले बैलेंस कर लेना, इसको अलग बैलेंस कर लेना, अलग अलग दोनों को बैलेंस करना इन द एसिडिक एंड बेसिक मीडियम जो भी आपको गिवन है। समझ आ गया, इसको अलग बैलेंस करना है, इसको अलग बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद हमने फिर इनको कंबाइन करना, ये मेथड है, समझ आया। अब एक एग्जाम्पल लिखो, राइट डाउन वन एग्जाम्पल फॉर दिस। पहले मैं आपको हाफ रिएक्शंस बता देती हूँ और उनको हमने कैसे बैलेंस करना है ये देखो। चलिए राइट डाउन CrO72 नेगेटिव, CrO72 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव। जहां पर H पॉजिटिव आ गया डेट मीन्स यहां पर हम एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। Cr3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव प्लस H2O प्लस H2O। चलिए इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स कैलकुलेट करो पहले और मुझे बताओ कि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। प्लस हैं 12 कैसे हो गया, सॉरी सॉरी Cr2 है, माय मिस्टेक, Cr2O72 नेगेटिव, हाँ जी प्लस 6 है, ये इसकी तो पता ही है प्लस 2 है, ठीक है। इसका भी पता है प्लस 3 है, इसका भी पता है प्लस 3 है, ठीक है। ये प्लस 6 से प्लस 3 में गया, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज बाय कितने से, 3 2 ये 2 है ना, 2 क्रोमियम है यहाँ पर, 1 क्रोमियम, ठीक है, तो डिक्रीज बाय 6। अब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है कि रिडक्शन होती है, रिडक्शन होती है, तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। ऊपर वाली आपकी कैसी रिएक्शन है, दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन देखो, अब अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट की बात करूं तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं कि गेन होते हैं, लूज होते हैं। हमेशा याद रखना है जब भी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखनी है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन इस साइड लिखने, ठीक है, लूज करने है ना उसने, तो प्रोडक्ट साइड ही जाएंगे। जब रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखनी है तो हमेशा इधर को लिखना, ठीक है, ये चीज दिमाग में बिठा लो। ऑक्सीडेशन में लूज होगा तो इस साइड है, रिडक्शन में गेन होगा तो इस साइड है, कितने हैं वो हम बाद में देखेंगे, ओके। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या कहती है आपको, Fe2 पॉजिटिव है, Fe2 पॉजिटिव है, किसमें चेंज हो गया, Fe3 पॉजिटिव, यही है, Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में चेंज हो गया। कितने का चेंज हुआ बेटा इसमें, इलेक्ट्रॉन 1 का, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसको अब अपना इलेक्ट्रॉन देना है आपने, ठीक है, जितना इसका चेंज हुआ है इसको अपना ही इलेक्ट्रॉन देना है। अगर इसका 1 का चेंज हुआ है तो 1 इसको देना। अब दूसरी देखो, ये वाला Cr2O72 नेगेटिव, ये किस में चेंज हुआ है, Cr3 पॉजिटिव में। अब यहां पर मैंने लिखने हैं इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, 6 का, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, समझ आई बात, इज इट क्लियर, ठीक है ना अमन,
क्लियर हो गया। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, ठीक है। इसको बैलेंस करेंगे हम, इसको कैसे बैलेंस करना है, सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, क्रोमियम को। यहाँ पर दो है, यहाँ पर कितने हैं, एक है, तो यहाँ पे क्रोमियम बैलेंस हो गया। ये कितने हैं, कितने लगाऊं यहाँ पर, ठीक है। अब चार्ज देखो बैलेंस्ड है, हाँ वो भी लगाएंगे। पहले चार्ज देखो, अब ये बेसिक मीडियम की रिएक्शन है आई गेस, एक मिनट मेरे को देखने दो। नहीं ऐसे दिखती है, चलो वाटर है तो यहाँ पर हम 14H पॉजिटिव लगाएंगे। अब एक बार ही देख लो सारी चीजें बैलेंस है कि नहीं, सी इफ एवरीथिंग इज बैलेंस्ड और नॉट। बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सारा कुछ। चार्ज ये एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है, एसिडिक मीडियम में हम चार्ज नहीं देखेंगे। मैंने पहले ही बोला ना, जहां पर H पॉजिटिव है दैट मींस वो एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में हमने चार्ज नहीं देखना। बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव आयन जब होंगे तो चार्ज करेंगे, यहाँ पर बैलेंस के लिए चार्ज नहीं देखेंगे। यहाँ पर आपने सिर्फ बाकी आइटम्स की बैलेंसिंग देखना, वो देखो बाकी आइटम्स की बैलेंसिंग कंप्लीट है, ठीक है। सारे बैलेंस है, एक बार देख लो, चेक कर लो, चेक। हाँ जी, ये वाला, हाँ क्या कह रहे हो, डिक्रीज बाय 6 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर दो है ना, 2 क्रोमियम का चेंज देख रहे हैं, यहाँ पर 1 है, तो एक का डिक्रीज हुआ है 3 से, तो 2 का डिक्रीज कितने से होगा, 6 से, ठीक है, बैलेंस्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट काम करते हैं, द नेक्स्ट थिंग इज, अब मैंने आपको लास्ट में क्या बताया था कि हमने इनको क्या करना है, आपको कंबाइन करना है, तो कॉम्बिनेशन के लिए हमने इनके इलेक्ट्रॉन्स सेम करने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को हमने एलिमिनेट करना है। आपको फाइनल इक्वेशन में कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं नजर आ रहे हैं, नहीं नजर आ रहे हैं ना, तो हमने इसको एलिमिनेट करना है। इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे, जब मैं अपनी रिएक्शन को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 6 के साथ, 6 इलेक्ट्रॉन्स सभी माइनस होंगे ना, एक रिएक्टेंट साइड है, 6 ही प्रोडक्ट साइड होंगे, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो कंप्लीट रिएक्शन देखो, सो इट विल बी 6 Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव, ये तो कैंसिल हो गया, मैं लिखूंगी नहीं, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। देखो आपकी रिएक्शन के सारे कंपोनेंट्स आ गए हैं और सारे कंपोनेंट्स बैलेंस, एच पॉजिटिव भी आ गया, वाटर भी आ गया, तो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर हो गया, क्लियर है कैसे करनी है बैलेंसिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन आपने बैलेंस करके बतानी है मुझे, राइट डाउन, Cl नेगेटिव राइट डाउन, Cl नेगेटिव प्लस MnO4 नेगेटिव, इट गिव्स Cl2 प्लस Mn2 पॉजिटिव। इसको बैलेंस कीजिए और मुझे आंसर बताइए, बैलेंस दिस रिएक्शन एंड गिव मी द आंसर। This is to be balanced in the acidic medium. This is given to you. इसका medium acidic है, यानी कि आपने water लगा के दूसरी side उतने ही H positive ions जो हैं वो attach कर देने।
यहाँ पर, हाँ जी एलिमेंटल स्टेट में है तो जीरो है, यहाँ पर माइनस वन है, इसका एम एन के कितना आया प्लस सेवन, इसका इंक्रीज किसका हुआ है नमन, इंक्रीज किसका हुआ है क्लोरीन का बाय कितने से इंक्रीज हुआ है वन है, देख ध्यान से, ये सीएल है ये सीएल टू है तो इंक्रीज बाय टू, इसका डिक्रीज बाय फाइव, ऑक्सीडेशन किसकी हुई है इसकी, रिडक्शन किसकी हुई है इसकी, हाफ रिएक्शंस लिखो और बैलेंस्ड मुझे बताओ, हाफ रिएक्शंस बैलेंस्ड हाफ रिएक्शंस बताओ मुझे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बताओ, बैलेंस बतानी है, इतना टाइम सहज आंसर बोलो, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बैलेंस्ड है, ठीक है टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है सीएल नेगेटिव, मैंने आपको भी बताया है कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ ऐड करने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं जितने का चेंज हुआ है, ठीक है अब सिंपल है, यहाँ पर टू है तो यहाँ पर टू लगा दो बस, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, सिमिलरली टेल मी द रिडक्शन हाफ रिएक्शन, बैलेंस्ड होनी चाहिए, इट शुड बी बैलेंस्ड, एसिडिक मीडियम बोल रहा है तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस होनी चाहिए, आगे 4H2O है तो हाइड्रोजन कितने बने दूसरी साइड, 4 कैसे बन गए, 4 टू 8 नहीं है, देखिए बेटा सीधा रिडक्शन हाफ रिएक्शन, MnO4 नेगेटिव इट गिव्स Mn2 पॉजिटिव, मैंने अभी आपको बताया है रिडक्शन में हमने इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर लिखने हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है 5, क्लियर हो गया इतना, ठीक है अब उसके बाद देखो Mn बैलेंस्ड है, अब मैंने ऑक्सीजन बैलेंस करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है ना क्योंकि इधर ऑक्सीजन है उधर ऑक्सीजन नहीं है, कितने ऑक्सीजन लगाऊं 4 वाटर, 4 है ना यहाँ पे तो 4 वाटर के लिए बैलेंसिंग हो गई, कितने बन गए ये हाइड्रोजन 8H, ठीक है सो दिस इज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन, अभी तक हमारी बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि ये दोनों क्या है हाफ रिएक्शन है, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, इनको हमें क्या करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स एलिमिनेट करने हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे एलिमिनेट करेंगे करो फिर और आंसर बताओ, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को प्लस कर दो, रिएक्टेंट वाले रिएक्टेंट साइड लिख लेने हैं, प्रोडक्ट वाले प्रोडक्ट साइड लिख लेने, ठीक है चलिए 8H पॉजिटिव 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है यहां तक अभी, अब देखो 5 Cl नेगेटिव, 5 टू 10 Cl नेगेटिव, देखो 5 टू 10 Cl नेगेटिव प्लस, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 8 टू 16 H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन तो हमने माइनस कर देने, इलेक्ट्रॉन में लिखने ही रही, अब चलते हैं प्रोडक्ट साइड, 5 Cl2 प्लस 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस 8 वाटर, सो दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन नाउ,
अब ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। टेन सी एल नेगेटिव, टू एम एन ओ फोर नेगेटिव प्लस सिक्सटीन एच पॉजिटिव, फाइव सी एल टू, टू एम एन टू पॉजिटिव एंड एट वाटर। क्लियर है? ठीक है, अब एक बेसिक मीडियम वाली भी कर लेते हैं। एसिडिक वाली समझ आ गई है, अब एक बेसिक वाली करवा दूं। क्या क्या सी एल नेगेटिव का इंक्रीज बाय वन कैसे हुआ? माइनस वन से जीरो गया तो ये वन हो गया, इंक्रीज हुआ ना। पॉजिटिव साइड जाएंगे तो इंक्रीज होगा, नेगेटिव साइड जितना जाएंगे वो डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर माइनस से पॉजिटिव में जा रहा है तो डेट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अगर इधर आ रहा है माइनस वन माइनस टू, जितना ज्यादा नेगेटिव की तरफ जा रहा है उतना डिक्रीज हो रहा। ठीक है, जितना नेगेटिव की तरफ जा रहा है उतना डिक्रीज हो रहा। तो अगर आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो डेट इज इंक्रीजिंग, अगर आप नेगेटिव की तरफ आ रहे हो डेट इज डिक्रीजिंग। चलिए नेक्स्ट करें, राइट डाउन एफ ई ओ एच ट्वाइस प्लस एच टू ओ टू, इट गिव्स एफ ई ओ एच थ्राइस प्लस वॉटर। दिस इज इन द बेसिक मीडियम। चलिए स्टार्ट करो बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीजन की बैलेंसिंग तक सारा कुछ सेम है, सॉल्व करो। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और ऑक्सीजन की बैलेंसिंग तक सारा कुछ सेम है। हाँ जी, H2O2 में ऑक्सीजन की माइनस वन स्टेट लेनी है। मुझे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोल लो। वाटर का, वाटर में फिर ऑक्सीजन का माइनस टू लेना, बस उसमें नहीं आना। H2O2 इज अ स्पेशल केस, माइनस वन वाला। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, किसकी ऑक्सीडेशन हुई है ये तो बता दो। आयरन की ऑक्सीडेशन हुई है बाय वन हुई है। ठीक है, तो FeOH ट्वाइस की ऑक्सीडेशन हो गई है इनटू FeOH थ्राइस बाय वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके, अब इसको बैलेंस करो। ऑक्सीजन इस साइड कितना है? टू है, इस साइड थ्री है। तो क्या करूंगी मैं, एक वाटर अटैच करेंगे, एक वाटर अटैच करेंगे, क्योंकि बेसिक मीडियम कहा है तो चार्ज भी बैलेंस करो। अब उधर कितना चार्ज है? वन नेगेटिव, तो इस साइड में क्या लगाऊंगी? वन ओ एच नेगेटिव, जितना ओ एच नेगेटिव इधर लगाया है उतना ही वाटर दूसरी साइड लगा देंगे। ठीक है, होगी बैलेंस? हाँ जी, हो क्या? सॉरी, इधर वाटर, इधर वाटर आना है। ठीक है, चार्ज इस तरफ कम है तो वाटर एक इस तरफ। ठीक है, ठीक है। अब सो डेट इज ओ एच नेगेटिव एफ ई ओ एच ट्वाइस प्लस वाटर, इट गिव्स एफ ई ओ एच थ्राइस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस वाटर। ठीक है,
अब इस इलेक्ट्रॉन के लगाने का कोई फायदा ही नहीं है हमें, क्योंकि यहाँ पर भी वन वाटर है, वहां पर भी वन वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इधर ही कैंसिल कर दो, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल कर देंगे। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन बताओ। यस, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, किसकी रिडक्शन हुई है? H2O2 की। कितने इलेक्ट्रॉन से, कितने इलेक्ट्रॉन से हुई है? टू से हुई ना, फिर माइनस वन से माइनस टू गया वो, तो एक रिडक्शन होगी, एक से रिडक्शन हो गई, दो ऑक्सीजन लगे हैं तो टू से होगी ना कि नहीं? इसका माइनस वन है, इसका माइनस टू है, एक से रिडक्शन हुई है तो दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं तो टू से वही रिडक्शन, तो प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स। अब उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करना है, यहाँ पर एक वाटर लगाओ, ठीक है, इधर ही साइड एक वाटर लग जाएगा ऑक्सीजन बैलेंस करने को। अब चार्ज बैलेंस करते हैं, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर भी टू OH नेगेटिव, अब अगर यहाँ पर टू OH नेगेटिव लगाया तो यहाँ पर भी टू वाटर लगाएंगे, देखो जरा, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, अब थोड़ा सा समेट लेते हैं सारा, यहाँ पर टू वाटर कर देते हैं, इस वाले वाटर को और इस वाले वाटर को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक प्रोडक्ट साइड था एक रिएक्टेंट साइड था, तो वैसे ही कैंसिल हो जाना। अब क्या करें नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या करें? अब इनटू टू, क्योंकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनटू टू करो और मुझे फाइनल रिएक्शन बताओ जल्दी से, टेल मी द फाइनल रिएक्शन। इनटू टू करो और मुझे अब फाइनल रिएक्शन बताओ, आपकी फाइनल रिएक्शन क्या आई है, सारा कुछ रीअरेंज करके। ये इसके साथ ये है बेटा OH नेगेटिव, ठीक है, ध्यान रखना। जस्ट टेल मी द फाइनल रिएक्शन नाउ, व्हाट इज योर फाइनल रिएक्शन? नीचे वाटर है, H2O है, उधर भी 2H2O, हाँ कैंसिल कर दो, हाँ जी बोलिए। देखो 2FeOH twice plus H2O2 it gives 2FeOH thrice, यही आंसर है, यही आंसर आया, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। नाउ कहाँ है हाइड्रोक्सिल आयंस? हाँ वो भी टू आएंगे, ठीक है जी, बाकी ठीक है सारा, ओके। तो फिर वो टू और टू कैंसिल तो हो गया ना, टू इधर है टू उधर है तो वो कैंसिल हो गए, फिर नहीं आएंगे ना, तो मैंने नहीं लिखे थे पहले, ये फाइनल इक्वेशन है आपकी कि नहीं? ये 2OH नेगेटिव जब आपने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये रिएक्टेंट साइड है, ये 2OH नेगेटिव प्रोडक्ट साइड है, तो ये भी तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन है। अब होमवर्क के लिए लिखो, राइट डाउन फॉर द होमवर्क, AlNO3 नेगेटिव, बेसिक मीडियम की दे रही हूँ, ठीक है, अभी हमने बेसिक मीडियम डिस्कस किया तो एक बेसिक मीडियम की ही लिख लो, फिर कल मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी, ठीक है, एसिडिक एंड बेसिक मीडियम दोनों। Al प्लस NO3 नेगेटिव इट गिव्स Al OH4 नेगेटिव प्लस अमोनिया,
दिस इज इन द बेसिक नीड, ठीक है ओके। तो ये होमवर्क है बेसिक मीडियम के लिए, बाकी रेस्ट वी विल बी डूइंग टुमारो। नोट कर लो बेटा, देन आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग। Al plus NO3 negative, it gives AlOH4 twice negative plus ammonia, ठीक है।